ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। एक्सेलेंट। अरे मे बी यू आर डिप्रेस्ड या डिप्रेस्ड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अपना वीकेंड बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया है। यार देखते ही देखते साल खत्म हो रहा है। आज टुडे इज 1st December एंड ऐसा नहीं लगता है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल एग्री कि कितना जल्दी समय चला जाता है। यार समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। तो जो भी हो, अभी मैं आई हूँ। यार मेरे आई ग्लासेस में ना एक्चुअली प्रॉब्लम, लाइक इट्स वेरी वियर्ड। तो ये जैसे मैं पहनती हूँ ना, से यू ऑल कैन सी ऑल्सो, अगर मैं दिखाती हूँ, थोड़े थोड़े जगह पे ना सी जो शाइनी आ रहा है ना, उस पे ना कुछ ऐसा दाग लग गया है। एंड इट्स स्ट्रेंज, यू नो, सभी से हम लोग क्लीन कर रहे हैं, फिर मेरे पास जैसा लेंस क्लीनिंग का ना, आई हैव ऑल द सॉल्यूशंस एंड ऑल, बिकॉज मैं वीडियो करती हूँ, सो वी आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय लेंस आल्सो। तो वो सब सॉल्यूशंस है ना, ये जो ग्लासेस है वो भी अच्छे तरीके से क्लीन होते, पर पता नहीं क्या हुआ यार, कौन सा मैंने खाना बनाया कि यहाँ पे लग गया है। एंड इट्स इन द सेंटर, यू नो, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। एंड इस साल ना मैंने अपने लिए नए ग्लासेस भी नहीं बनाए, तो वही मैं आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्लासेस भी बनाओ ना, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत मिलेगा, यू हैव टू वेट अराउंड 10 days के बाद ही मुझे मिलेगा, लाइक इतना समय लगता है ये सब चीज में। पर हाँ, हम लोगों ने एक गलती किया, व्हेन वी वेंट टू इंडिया ना, हम लोगों ने एक्स्ट्रा एक पेयर बना के लाना चाहिए। जो बोलती हूँ, हम लोगों के यहाँ पे देयर इज नो फ्री पार्किंग, यार इट्स कंफ्यूजिंग, ये शायद मेरा वाला ही होगा। हाँ, तो इतना सिर्फ 15 minutes, पता नहीं क्या होगा, 30 minutes में क्या होगा, लेट मी पुट सम। एंड मैं क्या बताऊँ, मुझे लगता है सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, वो हर वक्त रात में ही आते, मिडनाइट को या जब आप नींद से उठे तभी आते। मंगलवार को ना मैं ऐसा, आई वॉज फाइन, यू नो, मैं सोई, फिर जब मैं सुबह उठी ना, मेरे नी में ना इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, अभी भी मैं कैसे करके चल रही हूँ। फिर जिस दिन मैंने ब्लैक फ्राइडे का हॉल भी किया था, तो इसीलिए मैंने हॉल किया था, एंड फिर मैंने लाइक और बहुत बड़ा भी हॉल था, तो इसके बाद और मैंने वीडियो ही नहीं किया। आई डोंट नो, इट इज पेनिंग सो मच, लाइक मुझे चलने में ही तकलीफ हो रहा है। तो आई जस्ट फेल्ट ना कि हाँ, मैं चलती हूँ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लाइक बहुत ही स्टीफ हो गया अभी, पता नहीं क्यों, बिकॉज ऑफ विंटर या कुछ, बिकॉज पहले लाइक रात तक आई वॉज टोटली फाइन। पहले ना हम लोग एक्चुअली ये विलेज में ही रहते थे, एंड अभी जिस विलेज में रहते हैं वो इस विलेज से ओनली 10 miles की दूरी पर ही है। एंड अभी सभी शॉप्स में ना इतनी खूबसूरत क्रिसमस डेकोरेशन करते हैं, बिकॉज दिस इज द मेन फेस्टिवल। एंड कोई भी ग्लासेस ले लो, तो पहले मैं यही लेने वाली थी, तो वो बोल रहे थे ये तो तुम्हारे पास है ही, तो नया ग्लासेस बनाने को दे दिया। एंड ये यू नो फुल खराब हो गया है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ हीट, क्योंकि वो बोल रही थी सनलाइट में, मैंने बोला नहीं सनलाइट में, और कहाँ मैं रखती हूँ, तो शी वॉज लाइक कि मे बी बिकॉज यू नो ऑफ कुकिंग, तुमने चूल्हे के पास में रखा था, तो विच हैपेंस, यू नो समटाइम्स मैं करती हूँ, मैं पास में ही रख देती हूँ जब मैं खाना एंड ऑल बनाती हूँ। तो लेडीज भी केयरफुल यार, अपना चश्मा चूल्हे के सामने मत रखना, तो ऐसा हालत हो जाएगा। ऐसे मुझे चेंज भी करना था, ये काफी पुराना भी हो गया है। चलिए बट ये मुझे मार देगा, नहीं रस्ते के यहाँ पे चले जाती हूँ। यार घर के अगर हम लेडीज लोग ही बीमार हो जाए ना, तो काफी प्रॉब्लम हो जाता है, तो मुझे लगा चलो मेरे विलेज के शॉप में जाती हूँ। सिद के लिए ग्रेप्स ले लिया, एंड हाँ विंटर टाइम में बैंगन काफी अच्छा लगता है, तो चलिए एक बैंगन भी ले लेते। एंड मुझे चिकपीस लेना, ये चिकपीस ना बहुत अच्छे, लाइक रियली ऑर्गेनिक है एंड बहुत ही टेस्टी है। ये रहा दही, बिकॉज आप सबको पता है ये राय को हर वक्त चाहिए रायता। एंड ये सिद के लिए चीज। आज का मौसम इज टोटली नॉट भूतिया टाइप, स्नो गिरने वाला मौसम है, लाइक जब स्नो गिरता है ना, उससे पहले ना ऐसा शांत हो जाता है, बट आई डोंट नो इट्स गोइंग टू स्नो और नॉट, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडी तो नहीं है। एंड हाँ, आप सबको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ, मैंने उस दिन हॉल किया था ना, एंड उस दिन मैंने हॉल में आई हैव शेयर्ड विथ ऑल ऑफ यू वो बेनिफिट का आईब्रो पेंसिल मैंने जो खरीदा था, ओके, यू नो द हॉल वाज ओवर, एंड हॉल के टाइम में भी लाइक आई डिडंट ओपन द आईब्रो पेंसिल, मैंने ऐसा सिर्फ आप सबको दिखाया था। तब सना ने भी नहीं देखा था कि ब्लैक फ्राइडे पे व्हाट आर द थिंग्स आई गॉट, तब सना एंड सिद लोग लाइब्रेरी से वापस आए, तो मैं सना को ना दिखा रही थी, तो मैंने सना को बोला था सी आई गॉट दिस आईब्रो पेंसिल, एंड मेनी ऑफ यू नो कि मुझे लाइक आई लव डूइंग माई आईब्रोज, तो मुझे लगा कि चलो मैं ओपन करके देखती हूँ कि नंबर 5 का कैसा होता है। यू वॉन्ट बिलीव,
अंदर में कुछ भी नहीं था. अभी डेफिनेटली वाई सिफोरा वाले ऐसे क्यों करेंगे, यू नो दैट डे इट वॉज सो क्राउडेड. तो किसी ने किया क्या, जस्ट इमेजिन अंदर से वो मेन जो प्रोडक्ट है वो ही निकाल दिया. एंड इट वॉज पैक्ड सो नाइसली एंड इतना ना मुझे पता नहीं चला, बिकॉज इटसेल्फ ना वो पैकेजिंग ही थोड़ा हेवी था, बिकॉज अंदर में देयर सम पेपर्स एंड ऑल. मैं ना ढूंढ रही हो यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मैं दूसरा कोई एक ले सकती थी. तो मुझे ओ माय गॉड बाबा, हाउ डू यू फील? वेरी बैड, वेरी बैड. नहीं यार, ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए. एंड जस्ट इमेजिन लाइक कितना शातिर चोर है. $14 का फुल नुकसान हो गया. सना अभी बोल रही है कि तुम जाओ अभी सिफोरा में जाके बोलो. मैं जाऊंगी यहाँ से, एक तो इतना नज़दीक भी नहीं है जाने का, यू नो पेट्रोल का खर्चा, गैस का खर्चा. फिर हम लोग यहाँ पे, मैं जो बोलती हूँ, एवरी लाइक पार्किंग भी ले लेता है $3-4 एंड अपना यू गिव योर एनर्जी, ये सब करके मेरा मुझे लगता है टोटल $14 ऐसे ही चला जाएगा. एंड मैं क्या दिखाऊँ, क्योंकि उस दिन ना मैंने राय को अपना कार्ड दे दिया था कि राय तुम खरीदो एंड आई वेंट टू अदर शॉप, तो राय ने खरीदा. एंड पता नहीं हम लोग का कहाँ पे, लाइक अब क्या बोलेंगे यार, पता नहीं लोग विश्वास करेंगे भी या नहीं. लाइक अब बोलेंगे हाँ मैंने ये लिया है, देन After many days I opened and मैंने देखा जो भी हो. Guys, मैं आप सबको क्या बताऊँ, मेरा समय बहुत खराब चल रहा है. ये श्राग मेरा लगता है कितना 5 साल तो पुराना होगा यार. ये श्राग से इट्स परफेक्टली फाइन. अभी मैं देख रही हूँ, आप सबको नहीं बताऊंगी तो पता ही नहीं चलेगा. जस्ट सी कैसा करके सी फुल फार गया. ये ना मशीन से हुआ है, वो ड्रायर में हुआ होगा. जस्ट सी यार कैसा लग रहा है देखने में. ओ माय गॉड, मैं अचानक से देख रही हूँ, मैं इसको निकाल देती हूँ. वो पिक्चर में दिखाते हैं ना, किसी को भाई बनाना है तो सब फाड़ के भाई बना दो. US में आने के बाद ना सच्ची बताऊं, फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि कोई शॉप से मैंने कुछ खरीदा है एंड अंदर में बोलते हैं ना सामान ही नहीं है. यू नो दैट डे इट वॉज सो बिजी, जैसे मैं बोल रही थी इतना ज़्यादा क्राउडेड था. पर हाँ, जिसने भी चोरी किया है जस्ट इमेजिन, जैसे मैं बोल रही ना कितना शातिर है, बिकॉज कहीं से कुछ निकालो एंड फिर पैकेजिंग परफेक्ट करके रखो. एंड हाँ, मेरे नसीब में ही वो ही था. तो जो भी हो, तो अभी मैंने सिद्ध के लिए ना थोड़ा चिकन नगेट्स बनाया है. ये जिस तरीके से चिकन कटलेट मैं घर में बनाती हूँ ना, ओनली सिद्ध के उसमें ना आई जस्ट गिव लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट इन इट. एंड सिद्ध को एक्चुअली वेजेस खाना पसंद है, पर सिद्ध को फ्रूट्स खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो गाइस ये है रियलिटी, सब कुछ नहीं पर सिद्ध ने खाया एंड कुछ कुछ रेक्स ने भी खाया. रेक्स वेट कर रहा है सिद्ध तुम फेंको. ये चिकन कोरमा करी, पता नहीं कोरमा जैसा तो नहीं लग रहा है. ये चिकन लॉलीपॉप, ये राय को बहुत पसंद है. ये आलू पराठा, मैं थोड़ा खाती हूँ, बहुत दिनों से मुझे आलू पराठा खाने का मन कर रहा है. आपसे काफ़ी सॉफ्ट है, क्वाइट सॉफ्ट है. एक ना गुड हैबिट अभी मुझ में हुआ है कि चाहे मेरा तबीयत खराब हो, कुछ भी हो ना, सोने से पहले ना फुल एंटायर किचन, फिर यू नो डिशवॉशर एंड ऑल, मैं सब कुछ चला लेती हूँ. बिकॉज मैंने देखा है सुबह व्हेन यू एंटर द किचन, तब वो एक अलग ही जोश आ जाता है. तो चलिए ये हो जाए फिर किचन का काम खत्म. एंड एक छोटा बच्चा रहे तो जस्ट सी, मैंने मुझे लगता है 2 घंटा पहले मैंने वैक्यूम किया था. सी इज लाइक हैरान परेशान. रेक्स को इज लाइक मेरा दिन खत्म, अभी रेक्स सोएगा. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज सैटरडे है एंड अभी टाइम में आप सबको दिखाती हूँ. जस्ट सी नाउ द टाइम इज 10:30, नहीं हुआ ये 10:15 हो गई है, थोड़ा फास्ट है. एंड हम लोग आई थिंक सो 9:30 को जगे, 9:30 या 9:45 को जगे. या सैटरडे इज़ द टाइम, मुझे लगता है थोड़ा लेट जगना चाहिए, बिकॉज संडे से ना कहीं फिर से वो टेंशन आ जाता है कि हाँ संडे के बाद ही तो मंडे है. तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ बहुत ही कॉमन, जो मुझे लगता है कभी ना कभी वंस इन ए मंथ सभी को खाना पसंद है, स्पेशली इन विंटर डेज, दैट इज नॉन अदर देन 2 मिनट्स का मैगी. कितनों को लगता है कि मैगी 2 मिनट्स में होता है, कमेंट पे लिखना. मुझे तो कभी भी नहीं लगता है कि मैगी 2 मिनट्स में होता है. एंड सिद्ध को अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके चीज
खिला रही हूँ। एक्चुअली ब्रेकफास्ट इज अ मेन प्रॉब्लम विद सिद, क्योंकि ये कुछ भी ज्यादा खाना नहीं चाहता है। आज हम लोग का बहुत ही लेजी सैटरडे चल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ माय न्यू ईयर मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं ले रही हूँ, तो चौमे का भी बाजार गए हैं, एंड कुछ विंटर ही कुछ ही बनाएंगे क्योंकि ऐसा भूतिया टाइप वेदर है। एंड यू नो मैं देखती हूँ अगर मेरा नहीं कमती हुआ विद इन दिस 2-3 डेज देन आई हैव टू शो डॉक्टर। वही मुझे शॉमिक बोल रहे थे, शॉमिक एक्चुअली यस्टरडे ही वाज गोइंग टू कॉल द डॉक्टर, ही वाज लाइक अरे अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना कि मैं अभी बोलूंगी तो अभी मुझे मिलेगा। देन ऑल्सो आई एम नॉट द न्यू पेशेंट, क्योंकि वहां लाइक उनके वहां पे मैंने ऑलरेडी दिखाया था फॉर माई वो बिग फुट का जो बिग टो का जो प्रॉब्लम हुआ था। एंड यार अभी कितने अच्छे अच्छे मूवीज रिलीज हुए, हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच टाइगर 3 एनिमल। मुझे टाइगर 3 देखने का इतना लाइक आई वॉज सो मच इंटरेस्टेड ना, एंड तो मैंने सोचा था बिकॉज मेनी ऑफ माई व्यूअर्स गेव मी आइडिया कि पायल हम लोग के बच्चे हस्बैंड सब लोग बिजी रहते, हम लोग अकेले जाके मूवी देख के आते थे, तो मुझे लगा कि चलो मैं अकेले जाके देख के आऊंगी। तो यू नो आई वेंट टू द वेबसाइट कि चलो मैं टिकट कट करती हूँ, आई विल गो एंड वॉच। फिर मैं देखती हूँ हम लोग का यहाँ पे ना, पहले ना देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ मूवी थिएटर्स, बंद होते होते ना ये यूएस में ना सभी जगह पे हो रहा है। अभी लास्ट जो एक बचा था जहां पे वी वेंट टू सी नानटू, वो भी बंद हो गया है। तो अभी हम लोगों के आसपास में ना लाइक विद इन 15 माइल्स ना कोई भी मूवी थिएटर नहीं है। इफ वी हैव टू वॉच तो एक ब्रिज में दिखाती हूँ ना, वो हम लोग को क्रॉस करना होगा, तो क्या करें। और मेरा मूवी देखने अभी मुझे आई हैव टू वेट कि कब ये नेटफ्लिक्स पे आए, क्योंकि मूवी थिएटर में मूवी देखने का मजा अलग ही है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड एनिमल कमेंट पे जरूर। यहाँ पे मैंने 6 टमाटर कट कर लिया है, 2 गाजर लिया है, 1 आलू लिया है, दिस इज फॉर टमेटो सूप। एंड हाँ दिस वन ऑफ माई व्यूअर ओनली सजेस्टेड एंड बहुत ही टेस्टी होता है, 1/2 एप्पल, डेफिनेटली एड एप्पल, पर टमेटो का अमाउंट जो वो सबसे ज्यादा होगा बिकॉज वी डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ दिस, लाइक टोमेटो का जो स्मेल है वो चला जाए। देन ये 1/4 अनियन, फिर यहाँ पे यू कैन सी 3 इलायची एंड अराउंड 6 क्लोव्स, देन यहाँ पे थोड़ा जिंजर एंड थोड़ा गार्लिक मैंने कूट लिया है, यहाँ पे ब्लैक पेपर मैंने 10 लिया है, एंड से 1-2 ही मैंने थोड़ा कूटा है। सब कूटेंगे ना तो बहुत थोड़ा यू नो ब्लैक पेपर का एरोमा ज्यादा हो सकता है। ये टमेटो सूप फुल रेस्टोरेंट स्टाइल में होगा बिकॉज देयर इज अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स में जो आज आप सबके साथ शेयर करूंगी। ये मैंने बहुत रिसर्च किया था, तो द सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है सॉल्ट नहीं, थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे, दैट इंस्टेड ऑफ वाटर ना एड वेजिटेबल स्टॉक इन इट। अगर आपके पास छोटा वेजिटेबल स्टॉक भी है जस्ट टू मेक दिस सूप, ट्रस्ट मी खरीद के लाइए। सेम वे अगर आप चिकन सूप बनाते हैं ना लाइक रेस्टोरेंट स्टाइल, देन ऐड चिकन स्टॉक इन इट। एंड हम लोगों को वेजिटेबल स्टॉक ज़्यादा भी ऐड नहीं करना है बिकॉज ऐसे भी टमाटर तो पानी छोड़ेगा। तो चलिए कुकर लगा देते हैं 5 सीटी। सो मैंने 4 सीटी दिया था, एंड नाउ ना इफ यू हैव अ हैंड ब्लेंडर वेयर यू कैन ब्लेंड दैट विल बी ग्रेट, पर मेरे पास नहीं है तो मैं सब कुछ अच्छी तरीके से स्ट्रेन कर लूंगी। अगर आपको परफेक्ट बैलेंस ऑफ सूप चाहिए ना, देन मैं बोलूंगी हैंड ब्लेंडर या मिक्सी में मत दीजिएगा, बिकॉज जो पेपर लाइक ब्लैक पेपर हम लोगों ने दिया था ना, तो फिर क्या होगा वो सब भी फुल पेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा धीरे धीरे करेंगे ना, तो सिर्फ सब कुछ इसमें ऐड हो गया सूप में। तो फाइनली सब कुछ स्ट्रेन कर लिया है, एंड अगर आप चाहे ऐसे भी खा सकते पर नहीं, इसको थोड़ा बहुत टेस्टी बनाएंगे बिकॉज टमाटर का जो एक कच्चा स्मेल है ना वो भी चला जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। सो अभी हम लोग इसमें विल ऐड द सूप। इफ यू वांट यू कैन ऐड कॉर्नस्टार्च, पर अगर आप चाहे नो नीड टू ऐड कॉर्नस्टार्च बिकॉज इट्स ऑलरेडी थिक। थोड़ा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, अराउंड 1/2 टीस्पून ऑफ शुगर, यू नो टू बैलेंस आउट, नहीं तो टमाटर खट्टा होता है ना, थोड़ा खट्टा खट्टा लगेगा। सो 1.5 टीस्पून ऑफ बटर, एंड फ्लेम को मीडियम से लो पे रखिएगा। तोसी उबाल आना स्टार्ट हो गया है, एंड लेट इट बॉयल लाइक दिस यू नो फॉर अराउंड 8 मिनट्स में बोलूँगी। ऐसा ही डोंट फ्लेम को बिल्कुल भी कमती मत कीजिए, एंड ऐसा ही उबाल आना चाहिए। सी कलर भी कितना खूबसूरत हो गया है अभी,
एंड अभी हम लोगों के घर में ना तीन लोग अलग अलग खाना खाते, शॉमिक टोटली मोस्ट ऑफ द टाइम सैलड खाते हैं, तो यहाँ पे ना मैं एस्पेरागस उनके लिए बनाऊंगी। ये बहुत ही इजी है बनाना, एंड जो लोग ने एस्पेरागस ट्राई नहीं किया डेफिनेटली ट्राई इट, काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। एंड टमेटो सूप को जैसे मैं बोल रही थी ना, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बॉयल करना है, तो अभी मैंने इसमें थोड़ा अराउंड हाफ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, एंड एट द एंड मैं इसमें अराउंड 2 टेबल स्पून ऑफ क्रीम ऐड कर रही हूँ, हेवी क्रीम। तो बस फिर अनादर 5 मिनट्स के लिए हम लोग बॉयल करेंगे। एंड एस्पेरागस को ऐसा ही ना हल्का मैं शैलो फ्राई कर लेती हूँ इन 1 टीस्पून ऑफ ऑयल, थोड़ा पेपर एंड सॉल्ट दे के। सी मैंने कॉर्नस्टार्च और कुछ भी ऐड नहीं किया, सो इफ़ यू वांट यू कैन ऐड इफ़ यू वांट मोर थिक, बट इफ़ यू डोंट वांट डोंट ऐड इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कॉर्नस्टार्च ऐड करके और क्या होगा, ओनली इट विल मेक इट थिक। सी परफेक्ट है। सो मैंने गैस ऑफ कर दिया है एंड बस अभी कवर करके रख देंगे। राय बोल रही है कि टमेटो सूप के साथ इट सीम्स ग्रिल चीज सैंडविच काफी अच्छा जाता है, तो मुझे लगा कि चलो नया कुछ खरीदो, तो मुझे लगता है हम सबका हैबिट होता है कि उसमें कुछ ना कुछ बनाए, पर हाँ दिस इज क्वाइट गुड, काफी अच्छा लगा मुझे। तो चलिए रेडी हो गया है हम लोगों का रेस्टोरेंट स्टाइल टमेटो सूप एंड उसके साथ ग्रिल चीज सैंडविच। सो ये है शॉमिक के लिए, ये एस्पेरागस एक्चुअली खाने में बहुत टेस्टी लगता है, एक ही शॉमिक को खाना है, एंड दिस इज फॉर राय। एंड टमेटो सूप मुझे ऐसा ही पसंद है, स्पेशली विद दिस फ्राइड ब्रेड, यार इसको कुछ एक बोलते अभी मैं प्रोनाउंस करूंगी तो सब लोग बोलेंगे व्हाट, क्रूटन्स, तो दोनों बोल रहे क्रूटन्स, अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो शॉमिक के लिए कमेंट लिखना। एंड सीत खा रहा है ओनली एस्पेरागस से, ये सीत को ना सिर्फ वेजीज दैट इज अ गुड थिंग ही लाइक, पर हाँ फ्रूट्स ही डोंट लाइक। मामा हाउ इज इट, गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन। गुड बोला है राय ने, शॉमिक केरकम होयेछे, एक्सेलेंट बोला है शॉमिक ने। मैं ना बहुत ही देसी हुई यार, मुझे आज लग रहा है कि यार लंच ही नहीं किया, लंच ही नहीं किया। लाइक मैं बोलती हूँ ना, आई एम ए बिग फैन ऑफ राइस, एक टाइम तो मुझे राइस चाहिए चाहिए, नहीं तो रोटी चाहिए, यू नो सम सब्जी एंड ऑल, तो जो भी हो। एंड हाँ सिद्ध के लिए मैंने ये खरीदा था टॉमी हिलफिगर का जैकेट, सी दिस इज ओनली $20 में मैंने खरीदा था, वो आज ही आया है क्योंकि इस बार साइबर मंडे भी तो था ना, हाँ क्योंकि सिद्ध के पास ना ऐसा तो बड़ा जैकेट है, पर हाँ ऐसा छोटा छोटा कभी चाहिए ना लाइब्रेरी एंड ऑल में जाने के लिए, तो मुझे रेड में मिला, यार रेड कलर अच्छा लगता है लड़कों के ऊपर। तो चलिए ये व्लॉग को भी एंड कर देते हैं, एंड जस्ट लुक किचन का हालत, क्या करूँ यार मेरा दिन ही ख़राब चल रहा है, मैं वो ही बोलूँगी। सी लेग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मुश्किल तो होता ही है ना, वो गया। फिर ये टाइम को ना जब भी ऐसा वेदर चेंज होता है ना, क्योंकि अभी ना काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, हर बार ही मेरे साथ होता है कि मेरा ना टमी में ना आई फील लिटिल बिट ब्लोटिंग, ऐसा थोड़ा हेवी हेवी ओह सी थोड़ा ब्लोटिंग टाइप लगता है। वन सेकेंड, मैंने शायद टाइम नहीं दिखाया, तो 4 बजने वाला है, लाइक अजीब लगता है मेरा टमी, ये हर साल ही ऐसा होता है, फिर आफ्टर लिटिल टाइम ठीक हो जाता है। एंड डॉक्टर का ऐसा दिखाओ ना, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं तो वो लोग बोलेंगे कि अरे मे बी यू आर डिप्रेस्ड या डिप्रेस्ड, यार यहाँ पे ना डॉक्टर कुछ भी ऐसा टमी का आप बोले ना थोड़ा दर्द हो रहा है, एंड इफ दे डोंट फाइंड एनीथिंग दे विल से डिप्रेस है, डिप्रेस है, पर ये हर साल मेरा ये वेदर चेंज पे होता है। तो चलिए व्लॉग को एंड करते हैं, एंड मैं उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट जब मैं व्लॉग करूँगी तब मैं अच्छी तरीके से वॉक करूँगी, यहाँ काफ़ी ठंडी है। यार इंडिया में ठंडी है क्या, आप लोग मुझे कमेंट पे बताना ना, क्योंकि मैं सबको देख लूँ, सब लोग स्वेटर पहन रहे, ठंडा है ठंडी है, क्योंकि दिल्ली में मुझे पता है वो सब साइड में इट गेट्स रियली कोल्ड, बट बाकी जगह में मुझे इतना पता नहीं है। जैसे मेरे सासू माँ बोल रही थी इट सीम्स कोलकाता में अभी तक ठंडी एंड ऑल नहीं है। तो चलिए उसके साथ ये व्लॉग को एंड करते हैं, एंड लास्ट मंथ है यार, यार का सब लोग एंजॉय करो इस मंथ में, बोलूँगी थोड़ा चिल आउट ही सब लोग हम लोग रखते हैं, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वीकडेज, एंड मैं मिलूंगी आप सबसे कल विद अ न्यू वीडियो, अंटिल देन स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।